आज ना मुझे मम्मी अबू बहुत याद आ रहे हैं। जब अम्मी और अब्बा की याद आए ना तो नानी को देख लिया करो। मैंने तो बस एक ही दफा झलक देखी थी दोनों की, कसम से कयामत है कयामत। बस तो फिर ठीक है, दुकान के साथ साथ हम दोनों तितलियों का भी जुगाड़ करते हैं। और कुछ चाहिए? अच्छा अच्छा, ये पैसा है भाई। बूढ़ी और कमजोर औरत समझ के बदमाशियां दिखा रहे हो। अरे सादिक, वो तुम्हारा लड़का बैंक से पैसे लेकर कब आएगा? एक घंटे से ऊपर हो गया है। नानी मैंने कहा तो है मैं पैसे निकलवा के रखूंगा, दो तीन दिन में आके ले जाना। तीन चक्कर तो पहले लगा चुकी हूँ, आज तो किराया लेकर जाऊंगी। अरे उस्ताद दे दो ना किराया, आज ये बूढ़िया ऐसे टलने वाली नहीं। अबे जरा बेचैन होने दे, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी ये जल्दी निकलने वाली है। लगता है इसका ऊपर का टिकट मुझे ही काटना पड़ेगा। और ये ऊपर निकली, ये दुकान और दोनों नवासियां अपने कब्जे में। यार अकेली रहती है, कोई आगे पीछे पूछने वाला नहीं है, मगर बुढ़िया है बड़ी सख्त जान। सुबह से भूखी प्यासी बैठी है, मगर टस से मस नहीं, जान को अजाब बनी हुई है। अभी तो निकालो उसको यहाँ से उस्ताद, अजाब बनी हुई है। नानी अम्मा, बच्चा का बैंक से फोन आया, आज पैसे नहीं मिल सकते। सादिक, तुम मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हो, मेरी मिल्कियत में बैठ के मुझे आंखें दिखा रहे हो। अभी आंखें दिखानी शुरू नहीं की है, आंखें दिखाना शुरू कर दी ना तो मिल्कियत का रास्ता भूल जाओगी, समझी बुढ़िया? सादिक, तुम्हें एक कमजोर और बूढ़ी औरत में बदमाशी करते शर्म नहीं आती? चल चल, ज्यादा भाषण मत दे, जा, नहीं है पैसे वैसे। किराया तो आज मैं लेकर जाऊंगी, किराया नहीं ना दिया तो सारी मार्केट इकट्ठा कर लूंगी, सारा दिन खड़ी रहूंगी लेकिन खाली हाथ नहीं जाऊंगी। क्या हुआ? नानी अभी तक नहीं आई। नानी अभी तक नहीं आई? अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। क्या बात है नानी, बहुत थकी भी लग रही है। हाँ बेटा, किराया लेने गई थी, कमबख्त मारे ने बड़ी मुश्किल से दिया है। हाय सच, बड़े ही बेहिस लोग हैं, बुजुर्गों का जरा भी ख्याल नहीं। आप अंदर आए, जरा दम ले लें। अरे नहीं बेटा, बच्चियाँ इंतजार कर रही है, बहुत देर हो गई है, तुम थोड़ा सा पानी पिला दो। आप रुके, मैं लाती। क्या हुआ नानी? नानी क्या हुआ? नानी क्या हुआ? नानी,
रानिया मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, काफी देर हो गई है, अब तक तो नानी को आ जाना चाहिए था। तो मेरा भी बहुत अजीब हो रहा है। ठहरो, मैं जाकर देख कर आती। अरे पागल हो गई हो, कहाँ जाओगी तुम? मैं ना गीना बाजी से कह देती हूँ, वो किसी को। नानी आ गई शायद। रानिया बाजी, आपकी नानी को कुछ हो गया, एम्बुलेंस में डाल के लेके गए। क्या, कौन लेके गया है उन्हें? क्या हुआ है नानी को? पता नहीं उनको क्या हो गया, मेरी अम्मी ने उनको पानी भी पिलाया और वो है ना मेहताब भाई, वो उनको एम्बुलेंस में डाल के ले गए। अरे पता तो चले, कहाँ लेके गए? पता नहीं, मैं आपको उनके घर से उनका नंबर ला देता हूँ, आप खुद ही फोन करके पूछ लीजिएगा। हाँ जल्दी करो, जाओ फौरन कॉल करो। बैठो, सब ठीक हो जाएगा। रो तो मत, कुछ नहीं होगा, नानी को सब्र रखो। बस कर दो मेरी जान, कुछ भी नहीं हुआ उन्हें। मेरी मेहताब भाई से खुद बात हुई है, वो गर्मी की वजह से चकरा के गिर गई थी, डॉक्टर ने ड्रिप लगा दी है, अब ठीक है। ना जाने वो सच बोल रहे हैं झूठ, हम खुद जाके देखते तो शायद तसल्ली हो जाती है। हानिया रो तो मत, अगर तुम ऐसे रोगी ना तो फिर मैं भी रो दूंगी। देखो मैं तुम लोगों को खुद ले जाती ना अगर कोई ऐसी बात होती तो, लेकिन मेरी मेहताब भाई से बात हो चुकी है, अब वो बिल्कुल ठीक है, जैसे ही ड्रिप खत्म होगी तो डॉक्टर उन्हें छुट्टी दे देगा और वो आ जाएंगी। और ये क्या है, तुम लोगों ने इमोशनल सा सीन बना के रखा हुआ, यहाँ ड्रामा रचा है, जाओ जाके उठो, मुंह हाथ धो, ये क्या बात हुई भला, इतनी प्यारी शक्लें और रोना धोना मचाया हुआ, जाओ उठो, शाबाश शाबाश, हंस के तो दिखा दो। जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, शाबाश। आजा तबू नाम रख लेने से कोई तबू नहीं बन जाता मिस्टर। तुमसे पूछा किसने है, पहले ये बताओ। तो पूछ लो, दुनिया भर से पूछ लो, दूर हो जाएगी तुम्हारी ये खुशफहमी जो तुम बोलती रहती हो ना कि मेरी अम्मी मुझे तबू कहती है, मेरी शक्ल तबू से मिलती है। मुझे भी शौक नहीं हूँ 1970 की हीरोइन लगने का, समझे तुम, मैं आज के दौर की लड़की हूँ। तुम कहीं खुद को ऐश्वर्या राय तो नहीं समझने लगी? बिल्कुल नहीं, उसका ग्रेस खत्म हो गया शादी के बाद। अच्छा, अरे हाँ तुम तो बिल्कुल राखी सावंत की तरह लगती हो, मैंने आज ही गौर किया। अपनी शक्ल देखिए, तुमने बिल्कुल गेंडे की तरह से है। हाँ मैं तो रोज ही देखता हूँ, बिल्कुल तुम्हारे जैसी है भाई जो। मैं तुम्हारा ना खून पी जाऊंगी। अच्छा तो तुम ये काम भी करती हो, इसलिए कुछ लोग ना राखी सावंत को डायन भी कहते हैं। छोड़ूंगी नहीं तुझे टिम्मी, पहले पकड़ के तो दिखाओ। टिम्मी कि तुम सारा मूड खराब कर दिया मेरा, मैं अच्छा तैयार हुई थी इसीलिए मना किया था कि मैं ठीक थी, बस बेटा जरा कमजोरी हो गई थी तो डॉक्टर ने ड्रिप लगा दी, नहीं तो मैं तभी आ जाती। तानिया आपको कितनी बार कहा है कि रानिया को साथ लेके चले जाया करें, पर आप सुनती नहीं है किसी की। ना बाबा ना, जवान जहान लड़की को लेके बाजारों में फिरो और वो मुआ दुकानदार घंटों बैठाता है मुझे दुकान पर, इसको साथ लेके गैर मर्दों में बैठूं क्या? हरगिज नहीं। नानी आप मुझे लेकर तो चले, इसका सर फोड़ दूंगी मैं। सर फाड़ने से क्या होगा, किराए से भी जाएंगे हम। अरे कैसे जाएंगे, हमारी अपनी दुकान है, हमारा हक बनता है किराया लेना, और अगर कोई बदमाशी करता है तो उसे कह देंगे खाली कर दे दुकान, किसी और को दे देंगे किराए पर। बड़ी मुश्किल बात है, अगर उसने सुन लिया ना तो कब्जा कर लेगा, आजकल किराएदारों की बहुत जलती है, और अगर केस कर दिया तो लंबा जाएगा। छोड़े ना नानी, आप इसकी फजूल बातों में कहां अपना दिमाग चला रही हैं? अब आराम से यहाँ पे लेटे, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। खाना लेकर नहीं आती हूँ, मैं खाना लेकर आ गई हूँ और अब हम सब लोग मिलकर खाएंगे। तो कितना ख्याल रखती मेरी बच्चियों का, अल्लाह तुझे खुश रखे। नानी आपने कर दी ना गैरों वाली बात, ये दोनों मेरी बहनें हैं, बिल्कुल छोटी बहनें, और आप मेरी प्यारी नानी। जीती रहो। अच्छा ये लो,
अब निकाल कर लाओ खाना, प्लेटें लाओ, मजे से खाएंगे। आओ मैं भी नानी के हाथ दबाऊ ना, थोड़ी खिदमत तो करूं। मेरी मदद तो करनी ही नहीं यार। 6 महीने से हम मिल रहे और तुम आज भी मुझ पे शक कर रही हो। मेरी मोहब्बत पे एतमाद नहीं तुम्हें? क्योंकि मैंने तुम्हें खुद देखा था उस लड़की के साथ। यार तुम्हारे अलावा कोई और लड़की भी हो सकती है जिसके साथ मैं आज आ सकता हूँ। क्या मेरे अलावा भी तुम्हारी जिंदगी में और लड़कियाँ हैं क्या? गलत समझ रही हो यार, मेरी भांजी, भतीजी, भाभी, बहन कोई भी हो सकता है ना। तुम मेरे खानदान वालों को तो नहीं जानती, तुम मिले किससे हो? वो लड़की कौन थी उस दिन मार्केट में तुम्हारे साथ? बहन थी यार, उसकी दोस्त की बर्थडे थी, गिफ्ट दिलाने ले गया था। तुम सच कह रहे हो ना हारून? नहीं झूठ बोल रहा हूँ, झूठा हूँ मैं, फ्लर्ट हूँ, एतबार ना करो मेरा। हारून सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? अच्छा ना सॉरी बैठ जाओ ना। अच्छा ना सॉरी माफ कर दो, आइंदा ऐसा कोई सवाल नहीं करूंगी तुमसे। आखिरी बार माफ कर रहा हूँ, और इसके बाद शक किया ना मुझ पर तो पलट के नहीं देखूंगा। अच्छा ना मूड क्यों खराब करते हो? एक काम करते हैं कि मूवी देखने चलते हैं। नहीं यार नेक्स्ट वीक, अभी जेब खाली है। तो क्या हो गया, मेरा बैग तो नोटों से भरा है ना, चले। हाँ लेकिन 9:30 बजे शो खत्म होगा। अरे तो क्या हो गया, मैं अम्मी से दोस्त की बर्थडे का कह के आई थी, इसीलिए तो पैसे भी मिले और रात की इजाजत भी। चल चलो चलो, बड़ी होशियार हो गई। हानिया प्लीज जल्दी करो, ये शानदार जिंदगी है ना, इतना बड़ा बंगला, गाड़ी, शॉपिंग, दौलतमंद लड़के से शादी। दूर के ढोल हमेशा सुहाने होते हैं रानी, वो कहते हैं ना हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। इसी तरह जो जिंदगी हमें दूर से इतनी खूबसूरत दिखाई दे रही है, करीब से उतनी भयानक होती है। तुम नहीं जानती इन अमीर लोगों की जिंदगी में बहुत मसले होते हैं। अच्छा तुम्हें बड़ा पता है, क्या पिछले जन्म में तुम अमीर थी? मैंने नानी अम्मा से बहुत लोगों के वाकयात सुने हैं, इसमें से तो एक उनकी अपनी दोस्त सौलिया का वाकया था। उसकी शादी तो किसी बड़े खानदान में हुई थी, शौहर भी अमीर था, पैसे वाला था, सारी जिंदगी उस बेचारी ने रोते हुए गुजारी। शौहर उसका शराबी, जुआरी, और तो और दूसरी औरतों से ताल्लुकात भी थे उसके शौहर के। गुलाम बना के रख दिया था उसने अपनी बीवी को, मारता भी था। तौबा हानिया, तुम हमेशा तस्वीर का भयानक रुख ही देखती हो क्या? जरूरी तो नहीं है कि सब ऐसे ही हो। रानिया इंसान को हर हाल में साबिर और शाकिर रहना चाहिए। पता है जो लोग नाशुक्री करते हैं ना सारी जिंदगी खुश नहीं रहते, चाहे उनके दामन में दुनिया भर की खुशियां क्यों नहीं डाल दी जाए। इसीलिए मैं तुम्हें बातें बताती हूँ कि तुम छोटे छोटे ख्वाब देखो, छोटी छोटी ख्वाहिशें करो, ताकि जब वो पूरी हो जाए तो तुम्हें खुशी हो, वो पूरी ना हो तो तुम उदास ना हो। या मेरे खुदाया, इतनी बड़ी फिलोसोफर हो तुम, दिमाग पका दिया तुमने मेरा। अगर तुम्हारी मेहरबानी हो तो मैं अपना ड्रामा देखूं। हाँ थैंक यू। तो ये लड़की के फोन ही नहीं उठाती, भाप घर पर बैठा हुआ है, पता नहीं इसकी कौन सी सालगिरह जो खत्म ही नहीं होके देती। चक्करों की सलावाते सुनो। हेलो बात सुन भाई, बड़ी रिपोर्ट आ रही है तेरी। मैं चाय की पत्ती के अंदर तू लकड़ी का बुरादा मिला रहा है? खैर मैं तुझसे बात करता हूँ। कमरू जी चाय। चाय मेरी जोहर जबी तो मालूम नहीं, तो अब तक है सी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। क्या बात है, आज तो बहुत लाइक मार रही है। ये मेरी चमक का नहीं
बल्कि आपकी मोहब्बत का असर है। अगर इसी तरह मोहब्बत से देखते रहेंगे तो अच्छी ही लगूंगी ना। अरे मोहब्बत से तो रोज ही देखता हूँ, लेकिन आज की तैयारी तो खास है। आपके अलावा नगीना किसी और के लिए तैयार हो ही नहीं सकती। ये मेकअप, ये जेवर, ये सब आपके लिए ही तो हैं, सिर्फ आपके लिए। मेरे लिए तैयार हुई है तो मेरे पास बैठ जा, जा अपने लिए भी चाय लेके आ जा। हाँ हाँ मैं चाय भी ले आऊंगी। वो कमरू जी आपसे एक बात करनी थी मुझे। आज तक तूने किसी बात की इजाजत ली है मुझसे जो मुझसे पूछ रही है? चल बता क्या बात है। वो कमरू नानी है ना, हानिया और रानिया की नानी। रानिया और हानिया? अरे वो तो सबकी नानी है। वो बेचारी ना आजकल बहुत परेशान है। आपको तो पता है ना कि उनकी दुकान है मार्केट में, तो वो किराएदार है ना, उसने उन्हें बहुत तंग करके रखा हुआ है। कौन? सादिक? अरे हाँ वही सादिक। उसने तो नाक में दम कर दिया है नानी के। भाई मैंने तो नानी से कह दिया, नानी मेरे कमरू है ना, पूरी मार्केट डरती है उनसे, एक मिनट में सीधा कर देंगे देखना सादिक को। तू फिक्र ही मत कर, कल ही मैं जाता हूँ उसके पास और उसकी खबर लेता हूँ। हाय अल्लाह कितने अच्छे हैं ना आप, ऐसे ही तो दिल नहीं आ गया ना नगीना का आपके ऊपर। चल हट, एक काम कर, जा अपने लिए भी चाय ले आ, फिर दोनों बैठ के चाय। हाँ ठीक है मैं लेकर आती हूँ। तैयबा कहाँ? तैयबा यहीं कहीं होगी। बुलाओ उसे जरा, मैं उस फीस के बारे में पूछूं। अरे बताया तो था आपको, आपकी ना ये भूलने की जो बीमारी है, ये दे। देखिए मेरा दिमाग भी क्या है, मैं भी भूल गई। अरे वो तैयबा तो अपनी सहेली क्या गई है, उसकी सालगिरह है। इतनी रात हो गई अभी तक नहीं आई वो। अरे उसकी सहेली ने कहा है कि उसे घर छोड़कर जाएगी वापसी में। देखो फरत, अब वो पहले वाला जमाना नहीं रहा, पता नहीं कौन लोग हैं वो। इतनी रात को इजाजत मत दिया करो उसे जाने की। अरे माँ हूँ, दुश्मन तो नहीं हूँ, सोच समझ के इजाजत देती हूँ। और मैं जानती हूँ उस लड़की को, कई बार आ चुकी है, और वैसे भी मेरी बेटी बहुत होशियार है, अगर किसी ने उसे तंग किया ना तो सर फाड़ कर रख देगी। ठीक है तुम जानती हो उन लोगों को, लेकिन इतनी रात को जाने की इजाजत मत दिया करो उसे। देखिए अब दिन में तो सालगिरह नहीं हो सकती ना, रात को ही होती है सालगिरह की पार्टी, और वो वैसे भी उसकी बहुत करीबी सहेली है, ना जाती तो शिकायत रह जाती। और वैसे भी तब्बो की सालगिरह पे ना उसने बहुत महंगा गिफ्ट दिया था उसको, इसलिए तब्बो चाह रही थी कि उसको वापस करे, कर्ज हो जाता है ना इंसान पर। बस ये सालगिरह के ढकोसले हैं, वक्त का जिया और पैसे की बर्बादी। तौबा है, वैसे तुम्हारी अम्मा ना रहती तो हैदराबाद में, लेकिन रूह अपनी तुम्हारे अंदर छोड़ गई है, तभी तो उनकी बोली बोलते हो। हाँ उन्हीं की जबान बोलता हूँ, तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम्हें समझ आए तो ना। अच्छा बस करें ना, कभी तो आराम से बैठ के चैन की बातें कर लिया करें, चाय पिए ठंडी हो रही है। ठीक कहते हैं, असल से सूट प्यारा। या अल्लाह अपने बाद इनका सोचती हूँ तो दिल हिलने लगता है। इन्हें देखती हूँ तो अपने जीने की दुआ करने लगती हूँ, अपने जीते जी इन्हें अपने घर का कर दूँ। या अल्लाह इन बच्चियों की शादी के लिए कोई वसीला बना दे। ने दोनों लड़कियों को अलग कमरे में भेज दिया और तो और चाय भी खुद ले आई। अभी तक नहीं आई है लड़की, तो आप आ गया तो मेरी शामत आ जाएगी।
आ गया तुम्हारा घर। करें।